अब तक के डेविल गॉड के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा सेरेबियन लेडी मैजिकल कुवे के अंदर जाके अपने आप को डेविल किंग होने की इच्छा मांगती है। इसकी वजह से डेविल बहुत खतरे में आ जाते हैं और सेरेबियन लेडी डेविल किंग बनने में सक्सेसफुल हो जाती है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने के लिए निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को सेरेबियन लेडी काबू कर लेती है और अपने दोस्तों के साथ ही लड़वाने के लिए भेज देती है। लेकिन तभी वहाँ पे डेविल बॉस का एक सेनापति एक ऐसे आदमी को लेके आता है जिसे देख के फ्रैंकलिन बहुत चौंक जाता है। अब आगे अरे ये क्या हो रहा है, फ्रैंकलिन भैया शॉक हो गए, ये रुक क्यों गए है? ओह माय गॉड, लगता है इन्होंने कुछ भूत देख लिया है। ऐसा ही कुछ कह सकती हो, इसने सच्ची में भूत देख लिया है और वो भूत वहाँ पे खड़ा है। हमारे ही सेनापति ने एक बंदे को बुलाया है हम लोगों को बचाने के लिए, हमें निकलना होगा। अरे प्लीज हम लोगों को देखने दो, वो कौन है? अरे हमारे पास समय नहीं है शिनचैन, ये हमें मारने आया है। अरे भाई तो यहाँ से निकलने में भलाई है। लेकिन वो है कौन? तुम्हें पता नहीं, वो सबसे खतरनाक बंदा है, उससे कोई भी मॉन्स्टर अब तक बचा नहीं है। इसीलिए फ्रैंकलिन वहाँ पे डरा हुआ खड़ा है, अदरवाइज दूसरा कोई होता तो फ्रैंकलिन उसे खत्म कर देता, क्योंकि उसके अंदर सेरेबियन लेडी की शक्तियाँ है और सेरेबियन लेडी की शक्तियाँ बस एक बंदे से डरती है और वो है। अरे हाँ, नाम बताओ कौन है वो? उसका नाम लेने में भी मुझे डर लग रहा है। अरे यार अब तो डेविल बॉस हो, अब क्यों डर रहे हो, प्लीज बताओ ना। अरे हाँ प्लीज बताओ, वैसे भी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? मुझे तुम लोगों को सेफ रखना है, कहाँ पे भी जाओ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को कुछ हो गया तो सेरेबियन लेडी बहुत ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि उसको बच्चों की जान लेनी है। क्यों कहो, हमारी जान लेके उसे क्या मिलने वाला है? अगर तुम्हारी जान लेके उसे शक्तियाँ मिल रही है तो वो क्यों नहीं मारेगी तुम्हें? लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि दो पवित्र बच्चे जो कि डेविल बॉस के महल में आए हैं, उनके अंदर भी वो क्षमता आ जाती है जिससे अनगिनत ताकतों को अनलॉक करने वाली चाबी बन सके, और सेरेबियन लेडी को वही चाहिए, यानी चाबी। इसको मतलब हम उसकी चाबी है? ओह माय गॉड, लेकिन चाबी ताला खोलने के लिए होती है, ये तो हमारी चाबी को ही तोड़ रही है। अरे हाँ, हमें मार के क्या मिलने वाला है? उसे मिलने वाली है अनगिनत शक्तियाँ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कहाँ पे लेके जाऊँ। यहाँ पे तो वेस्टर्न का डेविल बॉस का महल है, लेकिन वो भी तबाह हो चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ, कहाँ पे जाऊँ, तुम्हें कोई आइडिया है? अरे हमें क्या पता, हमें कुछ भी नहीं आइडिया। अरे क्या हम लोग समंदर के अंदर जाके छुप जाए? ये बहुत बढ़िया है, समंदर, ओह माय गॉड, रेगिस्तान के बाजू में समंदर, कैसे? अरे ये कब से है, आपने तो समंदर के अंदर से पानी भी निकल रहा था और उसी के अंदर से आपने गाड़ी भी भगाई थी, क्या यार डेविल बॉस अब कैसे गुंडे बनोगे? मुझे गुंडा नहीं बनना, मैं गुंडे से भी बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़ा डेविल बॉस हूँ। और आप यहाँ पे भाग रहे हो? हाँ हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, अब तुम्हारी जान एक ही बंदा बचा सकता है, मुझे भी इस लड़ाई में उतरना ही होगा, मेरे सारे भाई यहाँ पे लड़ रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ। लेकिन यार हमें कौन बचाएगा, यहाँ पे क्यों आए हैं हम लोग? अरे हाँ तो, यहाँ पे तो टूटा फूटा घर है। तुम लोग यहीं पे रुको, इस शिप के अंदर मुझे जाना होगा, मुझे उसे बुलाना होगा। लेकिन किसे बुलाने वाले हो, वो तो बताओ। तुम बस यहीं पे रहो, गाड़ी के बाहर मत निकलना, ये गाड़ी के बाहर निकलते ही तुम्हारी सारी लोकेशन सेरेबियन लेडी के पास पहुंच जाएगी। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक डेविलो का सुरक्षा कवच बनाया है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से सेफ रहोगे, आगे मत निकलना। ओके, लेकिन टॉयलेट आया तो? अंदर ही कर लेना। और वॉशरूम आया तो? वो तो चड्डी में कर लेना। अरे किसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है या नहीं? हम लोगों की हमें जान प्यारी है, अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रहेगी तो सेरेबियन लेडी के पास चाबी पहुंच जाएगी। अरे यार शिनचैन, हम लोग चाबी बन गई यार। अरे भाई तो अब क्या ही करे चाबी है? मैं इससे कभी हेल्प नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही अकड़ू है। अरे लेकिन जो है उसका नाम तो बताओ। समंदर के अंदर का डेविल, यानी समंदर के अंदर का डेविल किंग। अरे बाप रे बाप, समंदर के अंदर भी डेविल किंग है? हाँ सही कहा, समंदर के अंदर भी है डेविल किंग, डेविल बॉस, अब हमें उनसे ही हेल्प लेनी होगी। समंदर के डेविल किंग, मैं आपसे हेल्प मांगता हूँ, प्लीज धरती के ऊपर के डेविल किंग और डेविल बॉस को आप सबकी जरूरत है, हम लोग खतरे में हैं, क्या आप हमारी हेल्प करोगे? ऐसी बात कर रहा है जैसे यहाँ पे कोई टेलीफोन लगा हुआ है। अरे भाई तो मोबाइल तो कभी दिख ही नहीं रहा मेरे को। तुम लोग चुप हो जाओगे बेवकूफों, हमारे पास शक्तियाँ होती है, हम ऐसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तुम्हारे इंसानों की तरह हमें मोबाइल की
की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप रे बाप गाइस, इसके ऊपर तो लाइक और सब्सक्राइब मार दो। अरे हां भाई, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेना। और कुछ रह गया है? अरे हां रह गया है, आपके पीछे कौन है? क्या कहा? अरे तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम कब आ गए? मैं तो तभी आ गया था जब तुम इस बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। लगता है धरती के ऊपर के सारे डेविल बॉस अब बच्चे बनने लगे हैं। तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हें बताओ मैं कितना ताकतवर हूँ, समंदर के डेविल किंग। मैं भले डेविल बॉस हूँ लेकिन तुम्हारी जैसी ताकत मेरे पास भी है। वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, वैसे भी समंदर और धरती लोग के बीच में कभी बनता नहीं है। तुम एक बात बताओ, तुम हमारी हेल्प करोगे या नहीं? हम बहुत खतरे में हैं। समंदर के डेविल किंग, हम आपसे मदद मांगते हैं। ये होता है मदद मांगने का सही तरीका। तुम्हारे लिए तो मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, तो हम समंदर के डेविल किंग को ऐसे क्यों बताते हो जैसे कि तुम बहुत बड़े हो? अब यहाँ पे लड़ाई शुरू मत करो, हम आपसे मदद की रिक्वेस्ट करते हैं। अब बस हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं झुक सकता। ओके, मैं इतने में करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ पे है वो दो बच्चे? समंदर के अंदर मैं उन्हें लेके जाऊंगा और वहाँ पे उन्हें कोई भी टच नहीं करेगा। ये तुम्हारा धरती लोक नहीं है, समंदर लोक है। मैं समंदर का डेविल की तुमसे वादा करता है, इन बच्चे को मैं बचा के रहूंगा। आ जाओ नमोनो, जल्दी करो। ओह माय गॉड, हम लोग कब के आ गए हैं? देखो ये बच्चे तो बहुत ही नटखट लगते हैं, मुझे इन्हें संभालने में बहुत दिक्कत होगी। हाँ, बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, देखते हैं कैसे पूरे करते हो। ओह माय गॉड, जो ये तो ऑक्टोपस की तरह लगता है जो हमने कल खाया था। सही कहा, बहुत डिलीशियस था। अरे बच्चे, मैं ऑक्टोपस नहीं हूँ लेकिन ऑक्टोपस के खाया ये कैसे बच्चे हैं? ये मुझे खा लेंगे। अरे अब इससे डर रहे हो, इन बच्चे से? अरे बच्चे दूर रहे। अरे चलो समुद्र के किंग, हम लोगों को बचाओ क्योंकि हम चाबी है सेरेबियन लेडी की। हाँ सही कहा, सेरेबियन लेडी बहुत सारी ताकतें हासिल कर सकती है अगर हम लोग मर गए तो, और आप लोग सारे खतरे में आ सकते हो। क्या कहा? समंदर के किंग से ये सारी बातें छुपाई गई। कहाँ पे है धरती लोक का किंग? वो है ना, वो मर गया। क्या कहा, मर गया? समंदर को बताया तक नहीं। तुम लोग कैसे हो धरती लोक के डेविल बॉस? तुम्हें कुछ अकल होती है या नहीं? मुझे बता देते तो मैं हेल्प करने के लिए आ जाता। मुझे लगा तुम अब हमसे नाराज हो। अगर हम लोग भी खतरे में हैं तो हम नाराज होके क्या ही कर लेंगे? सरेबियन लेडी आजाद हो गई, वही चुड़ैल ना जिसने समंदर में आग लगा दी थी। हाँ, वही वो आजाद हो गई है। तुम चिंता मत करना, धरती लोक के डेविल बॉस उसे संभाल लेंगे। ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझसे तुमने बहुत सारी चीजें छुपाई है। कोई बात नहीं, अभी मैं इन दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ। अगर वो सरेबियन लेडी 2 दिन के अंदर नहीं मरती या उसे कैद नहीं करते तो समंदर का डेविल किंग अपने डेविल बॉस की सेना और उसके साथ समंदर के कुछ मॉन्स्टर्स धरती के ऊपर आके उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ये होने की संभावना बहुत कम है, तो चलो बच्चों कूदो पानी के अंदर। अरे क्या कहा, लेकिन क्यों? इसलिए। ओह माय गॉड, ये तो एक जहाज है, क्या बढ़िया। अरे ये कितना खटारा जहाज है। तुम लोगों को आना है या नहीं बताओ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोट अंदर तक जाएगी और उसके बाद तुम्हें लेके जाएगी समंदर के अंदर। अरे आ रहा हूँ, रुक जाओ चौप जल्दी चल। ओके जा रही है बोट, रुको मैं तो भीग गया। बाय बाय टेबल बॉस, जिंदा है ना? अरे हाँ भाई, तो मरने के बाद खबर कर देना क्योंकि मर गए हो। कैसा बच्चा है? मुझे तो लगता है इन बच्चों से मुझे दूर रहना पड़ेगा। ये लोगों ने कल ऑक्टोपस कहा था, क्या पता ये मुझे खा लेंगे। समंदर का डेविल किंग आ रहा है, मेरी प्रजा, हमारे महल को खतरा है, हमारे शहर को भी खतरा है। हमें प्रिपेयर रहना होगा, समंदर की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। धरती लोक के अंदर तो सेरेबियन लेडी आजाद हो चुकी है, अब हमारा एक ही मकसद है सेरेबियन लेडी को रोकना। चलो। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। अरे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? समंदर के अंदर। ओह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलो मैंने अपना काम कर लिया है, अब बारी है लड़ाई की। आ रहा हूँ मैं फ्रैंकलिन, आई होप सेनापति ने जो बंदे को बुलाया है वो फ्रैंकलिन को हराने में सक्सेसफुल हो जाए, और उसका नाम है क्रेटोस। मुझे तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए बुलाया है फ्रैंकलिन, नाम तो सुना होगा क्रेटोस। अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, इसलिए बोल रहा हूँ हार मान जाओ, आमने सामने खड़े होके मेरे सामने भीख मांगो, तब जाके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा फ्रैंकलिन। बहुत टाइम पहले मैंने डेविल्स को मारना शुरू किया था, लेकिन पता चला ये डेविल्स यूनिवर्स में समतोल बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, और अगर इस बैलेंस को तुम तबाह करने की कोशिश करोगे फ्रैंकलिन, तो ना चाहते हुए मुझे तुम्हें मारना होगा।
होगा। मैं तुमसे डर नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर जो ताकतें हैं वो तुमसे डर रही है। लेकिन क्यों? तुम्हें याद है पिछली बार जब सेरेबियन लेडी मरी थी उन्हें किसने मारा था? क्या कहा? नहीं, मुझे नहीं पता किसने मारा था। और क्या, तुम्हारे सामने खड़ा है उसी ने मारा था। क्या कहा? तुमने मारा था सेरेबियन लेडी को, यानी नए डेविल किंग को। सही कहा, अब तुम गए, मैं बदला लूंगा पिछली बार का। तुम्हें जानता भी नहीं, लगता है सेरेबियन लेडी ने अपनी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर डाल दी है। आ जा बेवकूफ। ये क्या, कहाँ पे चला गया? मैं यहाँ पे हूँ बेवकूफ, इधर आ। तुमने मुझे तंग किया, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये क्या, ये कहाँ पे चला गया? तुम मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो तो मारोगे क्या ही, मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तुम अब गए। ये क्या, फिर से गायब। लगता है तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें क्या लगता है ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम आएगी? और पिछली बार भी ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स सेरेबियन लेडी ने की थी और उसके बाद उसका क्या हासिल हुआ था पता है? मैंने उसकी उंगलियां काट दी थी और उसको मार दिया था और दफना भी दिया था और उसके बाद वहाँ पे ट्री भी लगा दिया था जिससे ट्री की जड़े उसके शरीर के अंदर घुस के उसे नोच के राग बना दे। अब देखो मैं कितना खतरनाक हूँ, अल्टीमेट गॉड्स ताकत। ये क्या हो रहा है, इसकी ताकत तो बहुत तेज बढ़ गई है, मुझे यहाँ से बहुत आगे जाना होगा। शिट शिट शिट, तुम मेरे ऊपर ऐसे हावी नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं हूँ कौन? अब तक तुम मेरे साथ खेल रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सेरेबियन लेडी प्लीज मुझे ताकत दे दो। मुझे लगा ही था ये जरूर आएगा क्रेटोस। अब तुम देखो मेरा ये शिष्य जो कि सेनापति है जिसकी बॉडी मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो तुम्हें क्या करता है? बेवकूफ सेरेबियन लेडी, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन ये जो बंदा है ये रेड लैंटर्न की ताकत को ऑन करता है। रेड लैंटर्न की ताकत कैसे, और तुम्हारी ताकत तुमने कंबाइन कर ली? सही कहा, इसने कंबाइन कर ली। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ क्रेटोस। ये क्या हो रहा है, ये ताकतें मिक्स हो गई। सही कहा, रेड लैंटर्न और मेरी ताकतें मिक्स होने के बाद अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका है। तुम इसे नहीं हरा पाओगे क्रेटोस। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी बात है, करके दिखाओ। चुप हो जाओ सब लोग, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे? सॉरी, आपके ऊपर नहीं कर रहा। सेरेबियन लेडी, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। कहाँ पे गया नमूने? आ जा, ये ले ये ले ये ले। मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्रेटोस, ये ले। ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो? सही कहा, मैं तुझे मार रहा हूँ। ये ले, मरते दम तक तू मुझसे मरेगा। ये कैसे हो रहा है, इसकी ताकत है कैसे? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ पे गया ये, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे क्रेटोस, सामने आ जाओ। कहाँ पे गया ये, दिख नहीं रहा, यही पे कहीं पे तो था। क्या मैंने इसे हरा दिया? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैंने उसकी ताकत महसूस की है, मुझे ढूंढना होगा। क्रेटोस कहाँ पे हो, सामने आ जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे इतनी आसान से मार पाओगे? तुम देखो मैं क्या करता हूँ, आवाजें तो यहीं से आ रही है। वो रहा क्रेटोस, मैंने ढूंढ लिया। मैंने तुझे हरा दिया क्रेटोस, अब तू देख मैं तुझे कैसे खत्म करता हूँ। ये ले क्रेटोस, मैं तुझे चलाऊंगा, जिस तरह तूने सेरेबियन लेडी को मारा था उस तरह मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फाइनली मैंने इसे जला के राख कर दिया। कैसा लग रहा है क्रेटोस, तूने एक और बार हार मान ली। ये ले बच्चे, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, तुमने क्रेटोस को कमजोर समझा। क्या कहा, मतलब मैं अभी अभी इसको मार चुका हूँ, देखो इसकी बॉडी मेरे सामने पड़ी है। आप क्या बोल रही हो सेरेबियन लेडी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम में फंसाया गया है। आजू बाजू में देखो बच्चे, आंखें खोलो। क्या कहा, आंखें खोलूं? ओ शिट, नहीं, ये क्रेटोस है क्या? सही कहा, ये सारे के सारे क्रेटोस है, ये इसकी पुरानी चाल है। जाओ खत्म करो इन सबको। इतने सारे क्रेटोस? कोई बात नहीं सेरेबियन लेडी, आप देखोगी कि मैं क्या चीज हूँ और इन सबको मैं कैसे खत्म करता हूँ। येलो 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 येलो, बहुत बढ़िया, अब तुम सबका सर्वनाश मैं करने आ रहा हूँ। ये खाओ, आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा तुमसे। मैं बस सेरेबियन लेडी के लिए लड़ता हूँ, मेरी डेविल किंग के लिए। आ जाओ नमूनो। इतने सारे क्रेटोस, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो मैजिकल ताकतें हैं वो मेरे पास भी है।
बच्चे तुम अभी भी समझे नहीं, तुम्हें क्रेटोस मारने वाला है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा? डेविल किंग, आपके लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ, आप मुझे अपनी ताकत दे दो प्लीज। ये नहीं हो सकता बच्चे, मेरे पास ताकत नहीं है अभी। क्या नहीं? आपने मुझे धोखा दिया, आपको पता था मैं मरने वाला हूँ। सही कहा, जंग में ऐसी चीजें होती रहती है बच्चे। क्या मतलब? मैं आपके लिए लड़ रहा था और आप ही ने मुझे जंग में अकेला छोड़ दिया, ये तो धोखा है। बाय बाय बच्चे, मेरी ताकत ऑलरेडी कम है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मरो अब यहाँ पे। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? देखा कैसे तुम्हें छोड़ दिया उसने, मैं पहले ही बोल रहा हूँ मेरे सामने हार मान जाओ। क्यों किया उसने? क्यों का जवाब अब तुम बाद में ढूंढ लेना फ्रैंकलिन, तुम्हें धोखा मिला है, तुम्हें बस इस्तेमाल किया सेरेबियन लेडी ने और छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता, सेरेबियन लेडी ने ये क्यों किया? वो ऐसी ही करती है, तुम हमारे साथ चलोगे? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूं, मुझे धोखा मिला, मैं जिसके लिए लड़ रहा था। तुम अभी सोचने की हालत में नहीं हो। बेवकूफ, वो मेरा शिकार था। चलो इसको लेके चलते हैं, फाइनली इसे बेहोश कर दिया है मैंने। बेवकूफ कहीं का, ये मेरा शिकार था। अब ये मेरा शिकार है, इसे गाड़ी में पैक करो जल्दी। ये कोई पार्सल है? तुम्हें जितना कहा है उतना करो। ओके कर रहा हूँ, हो गया पार्सल, अब क्या करना है बताओ, मैं जाऊँ यहाँ से? तुम मेरे साथ चलो क्रेटोस, हमें बहुत सारे काम है। समंदर के लोगों को पता चल चुका है कि डेविल किंग मर चुका है, अब वो धरती लोग के ऊपर कभी भी आ सकते हैं, हमें सेरेबियन लेडी को रोकना होगा। क्या कहा? सेरेबियन लेडी, वो बहुत ताकतवर हो चुकी है, इससे लड़ते हुए मुझे पता चला, लेकिन वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई? वो तो बस एक डेविल बॉस है। नहीं, अब वो डेविल किंग बन चुकी है। ये कैसे हो गया? ये तो इम्पॉसिबल है। जिस सेरेबियन लेडी को मैं जानता हूँ वो बस एक मामूली डेविल थी, और अब वो डेविल बॉस से डेविल किंग में कैसे तब्दील हो गई? उसने इच्छा कुएं के अंदर जाके अपनी इच्छा प्रकट की और उसके बाद वो बहुत ही ताकतवर बन गई है। ये तो तुम सबकी लापरवाही है, तुम सबको समझ में नहीं आता कि सेरेबियन लेडी जैसे मॉन्स्टरों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उस शहर को तबाह कर देना चाहिए जहाँ पे वो रहती थी। तुम्हें पता है जिस शहर के अंदर वो रहती थी, और अब उस शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाखों तादाद में लोग रहते हैं, हम उस धरती के उस हिस्से को नहीं तबाह कर सकते। बेवकूफ कमजोर लोग। क्रेटोस चुप हो जाओ, उसके ऊपर ध्यान रखो, फ्रैंकलिन के ऊपर, वो जाग रहा है। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारा डेविल किंग मर चुका है और नया डेविल किंग आ चुका है तो इसका मतलब क्या है? सारे के सारे अलग अलग एलिमेंटल जगह के ऊपर रहने वाले डेविल किंग्स को पता चल चुका होगा। हाँ मुझे पता है, अब यहाँ पे बहुत बड़ी जंग हो सकती है, हमें इसके लिए प्रेपर रहना होगा, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या पता और कौन कौन से डेविल किंग हमारे ऊपर धरती लोग के ऊपर कब्जा करने के लिए आ जाए। सब लोगों को लगा है कि डेविल सच्चे हैं, लेकिन बस धरती लोग के डेविल सच्चे हैं और समंदर के डेविल किंग से हमारी बनती है, लेकिन बाकी सारे हमारे दुश्मन है। इसीलिए तो अब आगे क्या होगा, कौन कौन से डेविल किंग और डेविल किलर, उन्हें तो तुम भूल गए। ओ माय गॉड, अगर डेविल किलर्स को भी पता चल चुका होगा धरती लोग के किंग मर चुके हैं, तो डेविल किलर्स भी डेविल्स को मारने के लिए आ जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं और सेरेबियन लेडी को कैद करते हैं, आगे का मैं देख लूंगा। ओके क्रेटोस, आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो उस शहर के अंदर चलो जहाँ पे सेरेबियन लेडी अपनी ताकत बढ़ा रही है। ओके चलते हैं फटाफट, चलो। लगता है धरती लोग के ऊपर बहुत ही हलचल हो रही है, डेविल किंग मर चुका है ये सुनाई दिया है मुझे। अगर डेविल किंग मर चुका है तो यही मौका है मुझे धरती लोग का डेविल किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत साल पहले मैं भी एक डेविल बॉस हुआ करता था, लेकिन मैंने डेविल किंग को मारने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धरती से बाहर निकाल दिया और मुझे इस सुनसान प्लेनेट के ऊपर लाखों सालों तक रहना पड़ा। लेकिन अब नहीं, इंतजार खत्म, डेविल किंग मर चुका है तो अब मैं डेविल किलर डेविल किंग बनने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर चुका हूँ। कैसे हो सेना? सारे के सारे डेविल बॉस की सेना है, एक भी यहाँ पे डेविल नहीं है, सब के सब डेविल बॉस से, और मैं इनका एंटी डेविल किलर बॉस। चलो सब लोग अपनी ताकतों को इकट्ठा कर लो, हम सबको अर्थ के ऊपर यानी धरती लोग के ऊपर अपना पहला कदम और आखिरी कदम डालना है। क्या तुम तैयार हो? ये समय है घड़ी का, समय चेंज करने का, क्योंकि हम है एंटी डेविल किलर्स, आ रहे हैं धरती लोग। मैं उस स्पेस का डेविल किंग, मुझे लगा नहीं था धरती लोग के ऊपर इतनी जल्दी डेविल किंग मर जाएगा। अब हमारी बारी है, हम स्पेस के अंदर डेविल किंग तो है ही, लेकिन अर्थ जैसा एक प्लेनेट
जिसे मैं अपने काबू में नहीं कर पाया उसे अब मैं अपने काबू में करूंगा। चलो ये समय आ चुका है धरती लोक जाने का। चलो आ रहा है स्पेस का डेविल किंग तुम सब के ऊपर। स्पेस की ताकत अजमाने। चलो मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी धरती लोक जाने का समय आएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि डेविल किंग बनने का एक मौका मिला है। बस सेरेबियन लेडी को मार देना है, उसके बाद वो मेरा ही राज होगा वहाँ पे। मैं अपनी सेना वहाँ पे लेके जाऊंगा, उससे पहले मुझे हेल पता न होगा। ये रहा हेल, मैं आ चुका हूँ। एंटी डेविल किलर, नाम तो सुना होगा। डेविल किलर होने के नाते तुम सब लोग लड़ रहे हो। मैंने कहा था एक दिन आएगा कि हम सब लोग आएंगे। तुम कितने दिनों तक अपने आप को डेविल किंग बुलाते हो, लेकिन ये समय अब हमारा है। सेना चलो चलते हैं धरती लोग, हमें बहुत से काम है। आ रहे हम।